आप सबका स्वागत है, गांधी जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी, डॉक्टर ललित पांडे, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स, इट इज अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू वेलकम यू टू द थर्ड एनुअल कृष्ण पांडे मेमोरियल लेक्चर। वी आर गैदर्ड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ग्रेट सन ऑफ द कुमाऊं सॉयल एंड अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया, वन हु ओपन्ड अप मेनी होराइज़न्स फॉर हिज पीपल एंड सर्व्ड हिज कंट्री विद डिस्टिंक्शन। भैरवदत्त पांडे जी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम दिस हिल रीजन to gain admission to Cambridge University in England, and the very first to join the Indian Civil Service or ICS. Not only did he rise to the top to become Cabinet Secretary, he went on to serve as Governor of two states and received the Padma Vibhushan in recognition of his contributions to his country. इस सभा में उपस्थित सज्जन दिवंगत श्री भैरवदत्त पांडे को मुझसे कहीं बेहतर जानते थे और उनके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मुझे उनको जानने का सौभाग्य न मिला, परंतु उन्हें मानने का अहोभाग्य बार बार और बराबर मिलता रहा। उनके व्यक्तित्व की जानकारी आती रही और इतना मैंने अवश्य बहुत ही समय पहले, कई वर्षों पहले तार लिया था कि उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें हम आज मशाल लिए अंधेरे में ढूंढते ढूंढते हैं, पाते नहीं। श्री डीडी पांडे इंडियन सिविल सर्विस के आकाश के भटके सितारों में नहीं थे, नहीं धूमकेतु जो कि अगाया और अगायब, वे उन ग्रहों में एक थे जो कि अपनी ज्योति स्थिर रखते हैं और बदलते मौसमों से अविचलित उस नभ के सदस्य होते हैं जिन्हें अपनी व्यक्तिगत प्रगति से नहीं बल्कि क्रम से और कर्म से मतलब है। क्रम और कर्म दोनों, अपने काम के लिए पंक्ति फेर करना, क्रम को तोड़ना, औरों के पथ में बाधक होना, यह उनसे न हो पाता। अतः उनका सम्मान इसलिए मात्र नहीं था कि वे प्रशासन में दक्ष थे, बल्कि इसलिए कि उनको वफादारी और ताबेदारी का अंतर मालूम था, निष्ठा और चापलूसी का अंतर मालूम था, अधिकार और अधिकारवाद का भेद मालूम था, गर्व और अहंकार का फर्क मालूम था। आकांक्षा जो है वो महत्वाकांक्षा से भी होती है। भैरवदत्त जी यह अपने अंतस में जानते थे। समसामयिकता, समसामयिकता क्या होती है और समय पूजा क्या होती है, यह भी ये अच्छी तरह जानते थे। वे इतने आने वाले कल यानी आगामी कल के कर्म न बने की बहुरूपी कहलाए और इतने बीते कल या गत कल के भी न रहे कि पुरातन के भग्नावशेष नहीं। और जब अनेक पदावलियों को सुशोभित कर, सक्रिय कर, सम्मानित कर उन्होंने विराम पाया, विश्राम पाया, तब काल के बदलाव से असंतोष में नहीं, उससे बहस करते हुए लड़ते भिड़ते नहीं, बल्कि विमला जी के साथ एक अम्बरीय बहुल युग्म समान उस सूर्यांश में एक लालित्य के साथ विलीन हुए, उस अर्क के समान जो कि अपने अवतलन के क्षणों में भी आकाश को लालिमा प्रदान करता है। आज मैं श्रीमती विमला पांडे का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता
मेरे मित्रोदार मित्र और अल्मोड़ा के भूतपूर्व सीएम श्री केशव देसी राजू के अनुग्रह से मुझे विमला जी से मिलने के मौके मिले। विमला जी की शालीनता, उनकी तहजीब और उनकी बुद्धि अनुपम थी। किसी प्राचीन युग में वे भास्कर नंदिनी लीलावती रही होंगी। उनकी देह जितनी भारहीन थी उतना ही उनका मानस सार गंभीर था। थोड़े से शब्दों में वो बहुत कुछ कहने की क्षमता रखती थी जो कि मैंने दो तीन भेंटों में देखा। आजकल तो बहुत से शब्दों में बहुत कुछ थोड़ा कहा जाता है और शायद इस स्मृति व्याख्यान में इन पन्नों को आप देखेंगे मैं भी शायद बहुत शब्दों में बहुत कुछ थोड़ा कहूँ। उस गरिमामयी दाम्पत्य को अपना प्रणाम अर्पित करते हुए और उनके पुत्र और मेरे आत्मदेवी मित्र श्री ललित पांडे को इस अवसर के लिए हृदय धन्यवाद देते हुए आप सबों की अनुमति से निर्धारित विषय पर अपने विचार खोलता हूँ। और यह भी जानते हुए कि हमारे मध्य प्रसिद्ध लेखिका और शिवानी की पुत्री नारायण है जिनके के सामने मुझे हिंदी में बोलते बहुत डर लग रहा है। भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, तीन नाम, तीनों सही, तीनों वैध, तीनों अपनी अपनी जगह में पुख्ता। तीनों सही, तीनों वैध, तीनों अपनी अपनी जगह में पुख्ता। तो फिर आप पूछ सकते हैं तो कह दिया आपने इस पर आप व्याख्यान क्यों? आपकी आत्मश्लाघा के लिए। उस तीखे सवाल में तुक है। मेरे चारित्र रसायन में आत्मश्लाघा शक्तिमान है। मुझमें मुझ जैसी बहुत है और मेरी खुदी में खुदबीनी बहुत भरी हुई है। वरना क्या मैं, आपने अभी स्वामी जी को सुना, वरना क्या मैं ऐसी वक्तव्य श्रृंखला में शामिल होता जिसमें मुझसे आगे तवारीखी सदर रियासत जम्मू और कश्मीर डॉक्टर करण सिंह जी और आज के नायब सदर हिंद डॉक्टर हमीद अंसारी बोल चुके हैं। रश्मि रेखाओं को संवार रहे मयूरों के बीच आप आज एक कबूतर की गुटर घूस होंगे। लेकिन इस शीर्षक में, इस विषय के चयन में उस ईगो के परे भी कुछ है जिस पर मैं इस जैसी सभा में आत्मविचार उचित हो सकता है, वाजिब और लाजमी भी हो सकता है। तो प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के कुछ तहों को। तहे जो शब्द हैं हिंदी के वो अंग्रेजी फोल्ड में आते हैं। तहे अंतर्युक्त होती हैं जैसे लपेटे हुए शॉल की तरह। एक है बुनाई, एक है नरमाई, एक है खुरदुराई, एक है उसकी हर तह पर स्वागत होता है, एकदम स्वागत। अपने में लिप्त, अपनी गर्मी बनाए हुए, अपनी नरमी में प्रसन्न और अपनी सीमा के मोड़ पर अगली तह से सिमटी हुई पर फिर भी आया। तो बस हो गई बात खत्म। आप पूछ सकते हैं भारत, हिंदुस्तान, इंडिया तीनों चलते हैं, इंडिया में मिली जुली जुबान चलती है, बस इतना ही आपने कहना था तो कह दिया। और कहने को क्या रहता है, चले कुछ रहता है जो कि नामों से आगे है, जुबानों से, वर्णनों से, विवरणों से आगे है, जो कि मायना रखता है हमारे समाज की उस अंतर वस्तु से जिसको हिंदुस्तानी में कहते हैं सिफत। सिफत नाउ व्हाट ऑन अर्थ इज दैट? उर्दू तालीबी इल्म महारानी विक्टोरिया को उनके दुखाश अब्दुल करीम ने गालिबन समझाया होगा, योर मैजेस्टी देर इज अ वर्ड सिफत, इफ योर मैजेस्टी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड योर मैजेस्टीज क्राउन ज्वेल योर मैजेस्टी मस्ट नो इंडिया सिफत। सिफत मीन्स योर मैजेस्टी क्वालिटी, इनर क्वालिटी, एसेंस। लाइक योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी सिफत can be described as imperial grandeur। यह वार्तालाप काल्पनिक है, उसका वजूद महज मेरे ख्याल में है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पर मलिका ने शायद अब्दुल से पूछा होगा, एंड अब्दुल व्हाट इज योर ओन सिफत? कुछ सहम कर झिझकते हुए साथ बोले कि एक लम्हे में
अब्दुल करीम ने शायद कहा हो सकता है, माय सिफत योर मैजेस्टी, माय सिफत, आई हैव लॉस्ट इट योर मैजेस्टी इन प्रिटेंडिंग टू बी एन इंडियन प्रिंस इन लंदन एंड इंग्लिश साहब इन आगरा, व्हेन एक्चुअली आई एम ओनली अ मुखलिस हियर योर मैजेस्टी सर्वेंट. I have gained 2 fancy dresses, one for London, one for Agra, but I have lost my real sifat. Hamare bhai bhen, sifat ka is Arabi Farsi lafz ka humse zyada istemal karte the. Jaisa ki ye humse zyada istemal karte the suti kapdon ka, be-raisi oon ka, gareeb diya silai ka, माटी की बाती का, रुई की वर्तिका का, कड़क भूरे गुड़ का, अलाव की धीमी आंच का, तपे हुए तवे का, हाथ के पिसे सुफूफ का, हथेलियों से गूंधे आटे का, कलम स्याही का, शीतल सुराही का, उन सब चीज़ों में अपनी एक सिफत थी, समझिए अपनी एक शराफत थी. उन वस्तुओं के उत्तराधिकारियों ने, उन असबाब के यानी हम आल औलाद, उनकी नस्ल में आज सिफत कम है, इफत कम है, नाम है, रुआबदाब है, पर सिफत कम है. तब कदर ज़्यादा थी, आज कीमत ज़्यादा है. सुमन कह गए हैं, शिवमंदिर जी सुमन कह गए, कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी के मैदासी. आज का विषय भारत, हिंदुस्तान और इंडिया उसी सिफत से बताया जाता है जिसकी बदौलत मुंशी जी यानी मुंशी प्रेमचंद इलाहाबाद का प्रयोग कर सकते थे और प्रयाग का इस्तेमाल भी कर सकते थे. शतरंज के खिलाड़ी का यह हिस्सा लीजिए. नवाब हाजी बली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को ले जा रही थी. मिर्जा कहते हैं, हुजूर नवाब साहेब को जालिमों ने कैद कर लिया है. मीर, होगा यह लीजिए शह. मिर्जा, जनाब जरा कहिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहेब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे. मीर, रोए ही चाहे, यह ऐश वहां था नसीब होगा, यह किश्त. ये दर्दनाक हालत है, हाँ सोकर है ही, ये लो फिर किश्त. आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना नहीं हुई है. मित्रों, इन जुमलों में भारत का उल्लेख है, हिंद का जिक्र और इंडिया की पहचान. इन जुमलों में हिंदी की झलक है, उर्दू की महक और नेपथ्य से जालिमों के उस लफ्ज में अंग्रेजी हुकूमत की तुलना. तो पूछ सकते हैं आप, अच्छा तो आपका इशारा हमारे विविधता में एकता की परंपरा से है. क्यों जी? जी नहीं, मेरा संकेत किसी नारे या किसी क्लीशे पर नहीं टिका है, वह एक रवैये से जुड़ा है, एक रिवाज से, एक इल्म रूप से, एक मनोभाव से जो कि आज जीर्ण हो जा रहा है. एक दूसरे संदर्भ में मैंने आज कहा था हाल में कि हमारी सियासत का जिस्म, सियासत हिंद का जिस्म बुलंद है पर उसकी रूह नासाज है. उसी तरह मैं यहां कह सकता हूं कि भारत का तन बलवान है, हिंदुस्तान की रूह दुर्बल है, मंद है. निराला के शब्द याद आते हैं, स्नेह निर्जर रह गया है, रेत सा तन रह गया है. भारत बलवान है, हिंदुस्तान दुर्बल, और इंडिया दोस्तों, इंडिया है कुछ एयर इंडिया की तरह, अंडर बेल आउट एंड मेंटेनेंस. समय ने उस पर जख्म लगाया है और उसी समय ने उसको मरहम पट्टियों से बांधा भी है. ये हिंदुस्तान की खासियत है, जख्म खुद पर जख्म लगाती है और फिर मरहम पट्टी भी वही लगाती है. इलाज नहीं या फिर समझिए रिपेयर की खातिर एक परमानेंट स्कैफोल्डिंग में इंडिया बंध गया है, अर्ध छिपा अर्ध खुला. कभी राष्ट्रीयता और समाजवाद की एक आंख
से तो कभी अंतरराष्ट्रीयता और उदारवाद की दूसरी आंख से इंडिया जमाने को देखता है, जमाने इंडिया को देखता है, और दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इन मिले हुए हालात के पीछे एक मिली हुई तवारीख है। फिक्र न कीजिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, इसकी सही को देखा। हमारा संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है, उस भाषा में नहीं जिसको उसी संविधान ने राजभाषा का नाम दिया है, बल्कि अंग्रेजी में। यह इतिहास का सत्य है, इसमें किसी की विजय या किसी की पराजय नहीं हुई, इतिहास का सत्य है। उसका हिंदी संस्करण जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी संस्करण जो है, वो अनूदित है, मूल नहीं, मूल अंग्रेजी है। और उस संवाद और उस संविधान के उद्घाटनीय शब्द हैं इंडिया दैट इज भारत। ये चार शब्द इंडिया दैट इज भारत गंभीर विचार और विवाद के बाद अंकित हुए, ऐसे वैसे नहीं। बात केवल नाम की नहीं थी, बात थी आत्मवर्णन की, बात थी आत्मनिश्चय की, यानी खुद की पहचान की, सेल्फ डेफिनेशन। संविधान सभा में इस प्रारूपिक सूत्रीकरण को जब शुभन लाल जी सक्सेना ने देखा तो तिलमिला गए। शुभन लाल जी सक्सेना स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम के प्राबल्य के समर्थक थे। उन्होंने 15 नवंबर 1948 के दिन सभा में कहा, उन्होंने कहा जरूर हिंदी में, पर मैंने सिर्फ अंग्रेजी उसका पढ़ा है, इसलिए मैं अंग्रेजी में उनको कोट करता हूँ। इंडिया दैट इज भारत नहीं चलेगा, विल नॉट वर्क। वी शुड से द नेम ऑफ द यूनियन शैल बी भारत दैट इज इंडिया। यूपी से चुने हुए शिवंदा जी का साथ किया सीपी बिरार से आए शेख गोविंद दास जी ने, दोनों हिंदी के भीतरी प्रदेशों के सुपुत्र। फिर दूर दक्षिण से आए संस्कृत श्री अनंत शरण अयंगार ने, जो बाद में स्पीकर लोकसभा बने, उठकर कहा सामंजस्य के पक्ष में, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम इंडिया बाय भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान फॉर द वर्ड इंडिया इन आर्टिकल 1 क्लॉज 1 रिक्वायर्स सम कंसिडरेशन। बात स्थगित हुई लगभग 1 साल की। जब संसद में मुद्दे स्थगित होते हैं महीनों के लिए तो ये नई बात नहीं है, तब भी 1 साल के लिए यह इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया पर विचार 1 साल के लिए स्थगित। 17 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने मुद्दा फिर से उठाया। डॉक्टर आम्बेडकर का प्रारूपी आर्टिकल था आर्टिकल 1 क्लॉज 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह बहस का मुद्दा था। गोविंद दास जी फिर उठे और श्री हरिविष्णु कामत के साथ बोले कि सूत्रीकरण होना चाहिए भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोनों ने कहा इंडिया तो बाद में आया हुआ नाम है, सिंधु नदी लांघने पर यूनानियों ने इस इलाके को नाम दिया है, वरना भारत तो भारत ही था और भारत ही होगा। एक बार 18 सितंबर 1949 को सभा फिर मिली। गौरतलब है कि इतवार को सभा मिली, आज इतवार को सभा नहीं मिलती। श्री हरि विष्णु कामत ने कहा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक नहीं है, भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उन्होंने फॉर्मली अमेंडमेंट किया, पर उन्होंने एक विकल्प भी दिया। विकल्प क्यों दिया, कैसे दिया, ये मुझे मालूम नहीं, कहीं लिखा ही नहीं, पर उन्होंने विकल्प दिया या तो भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए या हिंद दैट इज इंडिया होना चाहिए, हिंद और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शुड ऑल्सो बी कंसिडर, ये उनके शब्द अंग्रेजी में बोले शुड ऑल्सो बी कंसिडर। तो इस तरह भारत और हिंद दोनों सदन के पटल पर रखे गए। श्री कामत ने कहा इट इज कस्टमरी अमंग मोस्ट पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड टू हैव व्हाट इज कॉल्ड ए नामकरण और ए नेमिंग सेरेमनी, इंडिया इज अ रिपब्लिक, एज अ रिपब्लिक इज गोइंग टू बी बॉर्न वेरी शॉर्टली एंड नेचुरली देयर हैज बीन अ मूवमेंट इन द कंट्री अमंग मेनी सेक्शंस ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल दैट दिस बर्थ ऑफ द न्यू रिपब्लिक शुड बी अकंपनीड बाय अ नामकरण सेरेमनी।
इस वाणी में हरि विष्णु जी काफी देर बोलते रहे। फिर एक सदस्य थे वहां जिनसे कहा न गया। सभापति बाबू राजेंद्र प्रसाद को संबोधित करते हुए फिर बोले, सर इज इट नेसेसरी टू हैव ऑल दिस टॉक? आई डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ इट। इट मे बी वेल इंटरेस्टिंग इन सम अदर प्लेस, बट आई एम वेरी सॉरी, देयर ought to be some sense of proportion in view of the limited time of the house. सदस्य और कोई नहीं थे, वे थे डॉक्टर बीआर अंबेडकर। राजेंद्र बाबू ने फैसला सुनाया कि कामत अपना संशोधन संक्षेप में प्रस्तुत करें, लेकिन चुन लें, अपने दिमाग में बना लें, वो भारत चाहते हैं या हिंद। सदस्य ने भारत चुना। बहस हुई, बहस क्या समझिए, फिर से आलाप हुआ, वार्तालाप हुआ, प्रथमा मध्यमा अंतरा। डॉक्टर अम्बेडकर सबरी से सुनते हैं। बार आई बोलने की बनारस नंदन पंडित कमलापति त्रिपाठी। पंडित जी बोले थे शुद्ध हिंदी में, पर मैं अंग्रेजी में उदाहरण देता हूँ। पंडित जी यानी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी कहते हैं, सर आई एम एनामोर्ड ऑफ द हिस्टोरिक नेम भारत। The gods have a keen desire to be born in the sacred land of Bharat. और फिर वे वार्तालाप में ले आए स्वयं श्री राम को। त्रिपाठी जी ने कहा कि भारत शब्द में एक गूंज है, रामगान के कंपन से झंकृत स्वर है, सुस्वर है, प्रतिस्वर है। अंग्रेजी में वे बोले, उस नाम में इट हैज सेंट एकोस थ्रू द हिमालयस द सीज एंड द हेवंस। यानी कि उस नाम की गूंज उठी है हिमालय पर, सागर पर, अंबर पर। डॉक्टर अम्बेडकर का रवैया क्या हो सकता था हम समझ सकते हैं। अब उनसे और न बर्दाश्त हो, वे फिर खड़े हुए और राजेंद्र बाबू से उन्होंने पूछा, Sir, is all this really necessary? There is a lot of work to be done, sir. Pandit Kamalapati Tripathi Sanskrit vid the, par ve ek viveki rajnitik bhi the. Sadan ki bhavna dekhkar, drafting committee ke chairman ke rukh ko dekhkar, aur shayad samne baithe Pandit Jawaharlal Nehru ke taavpurna chehre ko dekhkar, पंडित कमलापति त्रिपाठी ने विद्या छोड़ी, विवाद छोड़ा और पकड़ा विवेक। स्वर बदला, प्रतिस्वर बदला, बाबा साहेब का ज्वर देखकर त्रिपाठी जी ने सुर भी बदला और अब उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को आलोचना नहीं दी बल्कि बधाई दी और अपने प्रारूप में संविधान के निर्माण स्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर कहे, भारत तो ले आए हैं, ये अपने में बड़ी बात है, भले ही इंडिया के बाद सही, अंबर पर नहीं सही, भारत दूसरे नंबर पर है। फिर त्रिपाठी जी बोले, संविधान में भारत के प्रवेश से देश की आत्मा लौट आई। शायद इसी को आजकल कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग। श्री एच वी कामत के संशोधन भारत को इंडिया के आगे लगाने के मसौदे पर जिना वोटिंग हुई, हमारे देश का जो नाम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग से हमें प्राप्त हुआ है। श्री कामत के संशोधन के समर्थन में, यानी भारत दैट इज इंडिया के समर्थन में 38 हाथ उठे, डॉक्टर अम्बेडकर के यानी इंडिया दैट इज भारत के प्रस्ताव के समर्थन में 51 हाथ उठे। 13 वोटों के अंतर से बहरहाल इंडिया दैट इज भारत पारित हुआ। इंडिया जो कि भारत है, हमारा देश है। बहरहाल हम सबों ने एक बढ़िया विधान पाया, इंडिया का शुभ नाम पाया, भारत ने सम्मान कमाया। पर मेरे ख्याल से भाइयों बहनों, मेरे ख्याल से उस घड़ी में इस सब को देखते नुक्कड़ पर बैठा बेचारा और बेगाना हिंदुस्तान जरा
दर्द से मुस्कुराया। पास उसी के बैठे नन्हे तराने ने अब सांस के नीचे लबों से रूखे मिजाज से गुनगुनाया इकबाल का भूला गीत। हिंद ने तराने को देखा, तराने ने हिंद को, फिर दोनों हाथ एक दूसरे के थामे बोले होले होले हम बुलबुले। कुछ इसी तरह हमारे नए एंथम के लिए गुरुदेव के जनगणमन और बंकिम के वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा हुई। चयन अंत में गुरुदेव की कृति का हुआ, पर हमारे विवेक ने बंकिम की रचना को भी एक विशेष स्थान दिया। वह नेशनल एंथम नहीं सही, नेशनल सॉन्ग बना। शायद दुनिया में ये एक ही मिसाल हुई, क्योंकि ऐसी दो महान कृतियां थी जिनका एक विवेकी चयन हुआ और एक संतुलित व्यवस्था से एक एंथम और एक सॉन्ग। आज हम एक बेहतरीन राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के उत्तराधिकारी हैं और एक अद्भुत राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग के। लेकिन इकबाल का सारे जहां से अच्छा, जो कि कम मशहूर न था उन दिनों में, उनसे कम जुबान में नहीं खेला, आज वह न गान कहलाता है न गीत। इस पर भी उसके तिलस्म को देखिए, सारे जहां की न हार हुई है न जीत, नहीं आज उसमें राष्ट्रीय गान से कम है जान, या फिर राष्ट्रीय गीत से कम दिल पर छा जाने वाला संगीत। आज हम ये सब कह सकते हैं कि इंडिया और भारत के बीच, उन नामों के बीच सिर्फ नहीं, उन परिकल्पनाओं के बीच जो द्वंद्व उठ सकता था वह नहीं उठा है। इसमें हमारे देश की विजय है, ये हमारे सामूहिक विवेक और व्यावहारिकता की विजय है। भारत और इंडिया दोनों हमारे महामानवीय सागर में एक देह बन गए हैं। गुरुदेव के शब्दों में एक देह है बोलो नहीं। गांधी जी ने तीनों नामों का प्रयोग किया, उपयोग किया, हिंद, इंडिया और भारत। 1909 में लिखी उनकी पहली पुस्तक का शीर्षक था हिंद स्वराज। 1919 को उन्होंने जिस पत्रिका की स्थापना करी उसका नाम उन्होंने रखा यंग इंडिया, और 1942 में जिस विशाल आंदोलन का उन्होंने उद्घाटन किया था वह अंग्रेजी में था क्विट इंडिया और हिंदी में भारत छोड़ो, उस नाम से ही जाना गया। आज भारत हमारा राष्ट्र है, इंडिया हमारा देश। तो क्या राष्ट्र और देश में भी कुछ अंतर है? नहीं भी है और है भी। उसी तरह जैसे घर के एक संदूक और शहर के भंडार में अंतर होता है, जैसे बगिया और बागान में अंतर होता है, जैसे एक पगडंडी और राजमार्ग में अंतर होता है, जैसे एक नहर और दरिया में अंतर होता है, जैसे कि कहा जाए तो एक नानी और ननिहाल में अंतर होता है। उम्मीदों, आशाओं, अभिलाषाओं से ऊपर भी कुछ होता है, जिसमें इंसान अपनी उम्मीदें, आशाएं ही नहीं पर कुछ और सिर्फ रखता नहीं परमास्थित करता है। अंग्रेजी में एक लफ्ज है रिपोज। यू प्लेस योर डिपॉजिट इन अ बैंक, यू इवन इन्वेस्ट देम देयर, यू सेट योर होप्स इन अ क्रिकेट टीम, यू हैव एस्पिरेशंस ऑफ अ से मॉनसून, यू सेट स्टोर बाय योर कंट्री, बट योर ट्रस्ट, योर कॉन्फिडेंस, योर फेथ, यू रिपोज इन समवन और इन समथिंग इवन हायर, मोर मोमेंटस देन इन योर कंट्री। यू डू दैट इन योर नेशन, विच इज ऑल्सो अ सिविलाइजेशन। आज भारत राष्ट्र एक नेशन है विच इज ऑल्सो अ सिविलाइजेशन। भारत में, हमारे राष्ट्र में, हम अपना भरोसा डिपॉजिट नहीं रिपोज करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे पूर्वजों ने भारत को अपना लक्ष्य बनाया था और उस पर अपनी दृष्टि समाई थी। सिनेमा जगत समय की अपनी एक पहचान देता है। हिंदी सिनेमा के टाइटलों पर हम अगर निगाह डालें तो पाएंगे कि आज़ादी से पहले उनमें भारत का बहुत बोलबाला था। 24-34 वीर भारत, 34 में ही नव भारत, 36 में भारत का लाल बड़ी फिल्म थी, 36 में ही जय भारत, 35 में भारत की बेटी बनी थी और 37 में भारत की बेटी, भारत ही भारत। आज
भारत हमारा राष्ट्र है तो इंडिया हमारा देश। उसी तरह जैसे हमारा खेत होता है, हमारा दफ्तर या हमारी फैक्ट्री हमारे काम करने की जगह होती है, हमारी कमाई रोजगारी आमदनी आजीविका हासिल करने की जगह है। आम आदमी इंडिया से अच्छी तरह वाकिफ है, उसका इस्तेमाल हर रोज सहज सरल स्वाभाविक तरीके से करता है। उसी मामले में तरक्की चाहता है, जीत चाहता है, हौसला उम्मीद चाहता है, वे सब कुछ जिससे देश की खुशहाली में उसको खुद की खुशहाली भी मिल जाए। यह चाहने वाला आदमी वह है जो रेलगाड़ियों बसों बैलगाड़ियों में सफर करता है। उसी को अपने दिल और दिमाग में रखकर डॉक्टर अंबेडकर बोले थे, वी हैव वर्क टू डू, ये वही आदमी है, उसी के लिए वी हैव वर्क टू डू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आपस में मतभेद थे, पर वे दोनों आम आदमी की सिफत को जानते और पहचानते थे, और उस सिफत में वे तब बन रहे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सिफत को भी देख रहे थे। जैसे सिनेमा जगत में आज़ादी के पहले भारत का बोलबाला था, वैसे ही आज़ादी के बाद इंडिया की बारी आई। स्टोरी ऑफ इंडिया 1945, मिस इंडिया 1957, मदर इंडिया 1957, और मे आई मेंशन इट, ओ डार्लिंग ये है इंडिया 1995, जिसका गीत आई लव माई इंडिया देश भर की जुबान पर चढ़ गया था। इंडिया अब जम गया है, जैसे कि एयर इंडिया को ही लीजिए, मृणाल जी बैठी हैं, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कम कहेंगे और हम बहुत कम कहेंगे क्रिकेट के संदर्भ में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका, जब हाँ इंडिया ही इंडिया आता है। जब इंडिया टुडे नाम का एक साप्ताहिक प्रांतीय भाषाओं में उभरता है, इंडिया नहीं छोड़ता, हमारे राजनीतिक दलों को नहीं, उन्होंने सबने इंडिया अपनाया हुआ है। सीपीआई इंडिया, सीपीआईएम इंडिया, सीपीआईएमएम इंडिया, आईएनसी इंडिया, एआईएडीएमके इंडिया, सबों ने इंडिया से अपना संबंध बनाया है। सिर्फ हाँ भारतीय जनता पार्टी है जिसने इंडिया अपने नाम में नहीं जोड़ा, लेकिन 2004 के चुनाव में उस दल ने इंडिया को अपने एक विवादास्पद नारे में उपयोग जरूर किया। एनआरआई कौन जानते हैं? सब जानते हैं। प्रवासी भारतीय कौन जानते हैं? कम जानते हैं। तमिल में इंडिया का कहीं ज्यादा उपयोग होता है बनिस्पत की भारत का, हालांकि तमिल महाकवि सुब्रमण्य का तकल्लुस भारतीय था। जब खेल जगत में इंडिया का नाम आता है, तब जैसे कि मैंने कहा इंडिया ही सुनते हैं, उठ खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, बहुत कम सोचते हैं इनमें हमें इंडिया ही भारत कहना चाहिए। दिल्ली का इंडिया गेट हमारी प्रभुता और अखंडता का प्रतीक है। मेड इन इंडिया की संज्ञा हमारी उत्पादकता और हमारे कृतित्व को दर्शाती है। पर हमें यह भी कबूल करना होगा कि हमारे मिजो नगा और तोड़ा सह नागरिक खुद को इंडियन ज़्यादा आसानी से कहेंगे बनस्पत की भारतीय हिंदुस्तानी। ऐसा नहीं कि उनको भारत के करुमूल का या उसके रूट्स का एहसास नहीं, अवश्य है, लेकिन ये गौरतलब कि शाखाएं जो होती हैं वो जड़ों में नहीं बसती, जड़ें हैं वे शाखाओं में, वृक्ष के हर अंग में बसती हैं। ब्रांचेस डू नॉट लिव इन रूट्स, रूट्स लिव इन रूट ट्रंक एंड ब्रांच। तो यह है इंडिया और भारत का सिलसिला। और हिंदुस्तान वो कहाँ रहा? अगर भारत राष्ट्र है और इंडिया देश, अगर भारत भवन है और इंडिया आवास, तो हिंद तो आवास या निवास नहीं, तो भवन या प्रासाद नहीं, हिंदुस्तान हमारा बसेरा है, वह हमारा अपना घर है, वह उनका भी घर है जो बेघर है। हिंदुस्तान इज नॉट ए प्लेस वी ओन बट ए प्लेस वी लिव, पर बेघरों का वह खास घर है। हम इंडिया के लिए, हमें इंडिया के लिए इज्जत है और भारत के लिए गर्व, पर हिंदुस्तान के लिए हमें वह है जो कि इंसान को अपने वालिदैन के साथ होता है मुकाबला। हम जब इंडियन होते हैं तब नागरिकता के भाव में, हम जब भारतीय होते हैं तो देशभक्त के भाव में, हम जब हिंदुस्तानी होते हैं तब दस्तूर तकल्लुफ औपचारिकताएँ ये सब नहीं रहती, सिर्फ रहती है घर की साफ दिली, खुली सोच और सरल हो। वहाँ विचारों और अल्फाज को फैंसी ड्रेस की जरूरत नहीं होती, नहीं फॉर्मल ड्रेस की। वहाँ सारे मनोभाव, हर जज्बात की बातें आती हैं, मोहब्बत,
भरोसा, अफसोस, गुस्सा, फिक्र और हाँ तड़प। ऐसा नहीं कि हमें अपने हिंदुस्तानी घर से फख्र नहीं है, क्यों नहीं? कितना भी छोटा हो, घर की झोपड़ी ही हो, उसमें रहने वाले को उस पर फख्र होता है। हम इंडिया के नागरिक हैं, भारत के निवासी, एक के सिटीजन्स, दूसरे के रेजिडेंट्स, पर हिंदुस्तान नाम के घर के हम हैं औलाद। हम जानते हैं कि हिंद और हिंदुस्तान में एक तिलिस्म है, जिसको इकबाल ने अपने तराने में शहीद भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने नारों में अमर बना दिया है। अगर कोई ऐसा नारा है जो कि एक पल में हमें देश का सिपाही भी बना देता है और घर का नौनिहाल भी, तो वह है जय हिंद। वह नारा न हिंदी में है न उर्दू में, वह है हिंदुस्तान में, हमारे घर को बुलंद बनाने में मग्न हिंदुस्तान में। जब हमारे राष्ट्रीय गान में भारत आता है और जब प्रदीप के शब्दों को सी रामचंद्र के सुर में लता राय मंगेशकर ऐ मेरे वतन के लोगों में गाती हैं, तो वहाँ भारतवर्ष आता है, भारतवासी आता है। किस भारतवासी का दिल तब पिघल नहीं जाता? कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे भरने वाला भारतवासी। लेकिन फिर जब उसके बाद के दो जुमले और आते हैं, तो किस हिंदुस्तानी का दिल सुन नहीं हो जाता? जो खून गिरा कर वक्त, वो खून था हिंदुस्तानी। मैं आज प्रदीप को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। उन्होंने भारत और हिंदुस्तान दोनों को जीवित कर दिया है, और एक ऐसे कृति में, और एक ऐसी कृति में जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग, लेकिन एक ऐसा गीत जो हमारे मन में सारे जहां समाया हुआ है। मेरी पीढ़ी के लोगों को किस्मत फिल्म याद होगी, जिसमें प्रदीप जी का गाना आता है, रोड हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और जागृति फिल्म का अमर गान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान। मेरी समझ इतिहासविद की नहीं, पर राजनीतिविद की भी नहीं, वह किसी तरह के विद्वान की नहीं, एक मामूली गवाह की है। गवाह के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि इंडिया और भारत जो नाम है, ये दोनों लाजमी है, इस मायने में कि ये दोनों हकीकत को दर्शाते हैं, एक आधुनिक वर्तमान समसामयिक और दूसरी प्राचीन पुरातन चिरातन। और एक अर्थ में ये दोनों नाम दो गाड़ियाँ हैं, वाहन है चक्रयान की। इनको संविधान सभा में अलग अलग वाहक चाहक मिले, दक्ष, निपुण, विश्वसनीय, अनुभवी। लेकिन वाहन जो होता है वह वाहन होता है, सवारी जो होती है वह सवारी होती है। जो उस वाहन में जा रहा है, यात्री जो है, मुसाफिर जो है, वह वाहन से अलहदा है, वह मुसाफिर है। और मेरे दिल में उस मुसाफिर का नाम भारतीय इंडियन नहीं है, उस मुसाफिर का नाम है हिंदुस्तानी। 1972 में नई फिल्म परिचय में गुलजार साहेब का गाना है, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। किशोर कुमार ने उसको गाया है, उसका जुमला, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, आम हिंदुस्तानी के उन ख्यालों को गुरूर और अल्फाज देता है जो कि उसको जिंदगी के कदम कदम बढ़ाते हैं। भारत दैट इज इंडिया जो है, यानी भारत जो है, बस सदैव महान रहेगा। इज एन मेरा भारत महान। भारत के नाम में वह है जो कि उसके शीर्ष के ऊपर एक प्रभामंडल हेलो को स्थापित करता है। भारत के सर पर एक हेलो है, ये हमारा सौभाग्य है। इंडिया दैट इज भारत जो है, यानी इंडिया जो है वह भिन्न है। उसके सिर पर प्रभामंडल या हेलो नहीं, पर कई कई तरह के शुभ वस्त्र हैं, जिनमें उल्लेखनीय आज है मोटरसाइकिल वाली हेलमेट। इस हेलमेट पहने इंडियन को हर ठोकर और टक्कर के लिए तैयार रहना है, रफ्तार से आगे बढ़ना है, औरों से आगे, सबसे आगे, औरों से पहले, सबसे पहले, खुद को और औरों को जोखिम में डालते हुए जहाँ चार अंगुली का भी रास्ता मिल जाए वहाँ घुस जाना है, बढ़ते जाना है। लेकिन जो प्यादा है, जिसके पास न वाहन न मोटरसाइकिल न साइकिल भी, उस हिंदुस्तानी को भी तो चलना है, उसके लिए रुकना घातक। बस जिंदगी की राह पर कभी सीधे चलेगा तो कभी मुड़कर, घबराता हुआ, पर ठोकर भी खाएगा, भूल भी करेगा, गलत मोड़ लेगा, लड़खड़ाएगा, पर फिर भी उठकर चल के जाएगा, वह हिंदुस्तानी।
उसके घर में या फिर झोपड़ी या माइग्रेंट वर्कर वाले फुटपाथ में चार कोयले की सुगड़ी जलती है। आज उसकी जोरू वहाँ बनाती है और मेरा विश्वास है कि कल अपनी जोरू के लिए भी वहाँ कुछ बनाएगा। उसके लिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर के नर्स याद रहने चाहिए। वी हैव वर्क टू डू। वर्क से मुझे मेहनत का ख्याल आता है, मुकाबलों का। इन मुकाबलों में हिमालय की चुनौतियाँ अहम जगह रहती हैं। इस सभा के मध्य मेरा उनमें जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि अगर शेखर पाठक अपनी बढ़िया पत्रिका को पर्वत कहलाते तो कोई भूल न होती। इकबाल ने भी तो पर्वत का इस्तेमाल किया है, पर्वत जो सबसे ऊंचा। अगर शेखर जी उसके अंग्रेजी संस्करण को द माउंटेन कहना तो वह भी सही होगा। लेकिन जब शेखर पाठक अपनी पत्रिका को पहाड़ कहते हैं तब वह पत्रिका हिंदुस्तानी को फेंकी जाती है। वह हिंदुस्तान की उन अंगुलियों की कड़ी गांठों की परिचय देती है, उन खुरदुरे घुटनों, मजबूत कोहनियों और तगड़े तलों जो कि साथ ही दिल में ओस के समान नीरव है, हृदय में तुषार के समान पवित्र और मन में हवा समान चरण और इन सबके समान पहाड़ उसका परिचय दिलाती है जो दिल का भारी और जीवों का हल्का है। जब हमारे खान खुलते हैं, अपना धन उगलते हैं, जब हमारे कारखाने फुरफुराते हैं, धुआं सुलगते हैं, जब माल से लदी मालगाड़ियाँ छुकछुकाती हैं, लारियाँ घुरघुराती हैं, तब कौन उठता है? भारत उठता है। कौन चमकता है? इंडिया चमकता है। पर हिंदुस्तान दलितों, आदिवासियों, निष्कासितों, मजदूरों और आम प्रदूषण ग्रस्तों का हिंदुस्तान तब सहमता है, सांस रोकता है, सोचता है मूल प्रश्नों पर, हमें पुनर्विचार करने को ललकारता है। उदाहरणतः अंत में मैं केवल पांच कदमों का उल्लेख करता हूँ जो कि अगर इंडिया इंक और भारत सरकार लें तो भारत खुश होगा, या कहना चाहिए प्रसन्न होगा। इंडिया खुश हो पर शायद हिंदुस्तान को सुकून मिलेगा। हाल ही में मैंने अंग्रेजी के लेख में लिखा था तो अंग्रेजी में कुछ लिखा, हिंदुस्तान के भले के लिए इंडिया इंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक द स्टर्नेस्ट एक्शन अगेंस्ट माफियोज़ who with political patronage and official connivance illegally gouge out precious mineral ores including and especially coal making obscene profits in black money which then finds its way into election campaign expenses. It should take similar action in the name of Hindustan against murderers who hound and hunt whistleblowers both official and non-official, silencing brave men and women who have asked inconvenient questions with death. It must take such action in the interests of Hindustan against those manufacturing houses, luckily in a minority, but bringing opprobrium to industry as such, which having obtained licenses and infrastructure under our liberalized procedures, then go on to use land, water, electric power and fuel dazzlingly above their licit requirements with no questions asked. In the interests of India, action should be taken against the misconceived policy approach that discounts the calorie norm in calculating poverty, thereby making a mockery of poverty alleviation in a situation where a huge majority of the rural population in India is shockingly calorie deficient. And finally, misgovernance in the shape of widespread inefficiency and gross mismanagement of resources. Bandhuvan, ye jo alfaz hai, widespread inefficiency and gross mismanagement of resources, ye aaj nahi, kal nahi, प्रेसिडेंट सर्वे पल्ली राधाकृष्णन ने 1962 में कहे थे, आज भी वो कितने समसामयिक हैं। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट इन द रैंक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज बाय हीडिंग रिकमेंडेशंस व्हिच हैव बीन मेड नॉट टू लॉन्ग अगो बट वेरी रिसेंटली बाय आवर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स।
जब तक इंडिया एक जमीन खनिज पदार्थ पानी बिजली और तेल का बेलगाम इस्तेमाल करती रहेगी तब तक भारत भ्रम में रहेगा और हिंदुस्तान अंदर ही अंदर सुस्तियाँ लेता रहेगा। अगर तरक्की को साझा होना है, आमदनी को एक तरफा नहीं बहुमुखी और व्यापक करना है तो इंडिया को हिंदुस्तान के गले लगना होगा। इंडिया को बेउम्र नौजवान अपने आप को समझते रहना, हिंदुस्तान को एक बे इंतहा खान समझते रहना, हाँ भारत को महान सोचते रहना, यह सोचना गलत है। अहमद नगर जेल में तरुण तपस्वी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो अमर है भारत की खोज, अमर है इधारे हिंद अपना रास्ता खोल रहा है। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, तीन नाम सही, तीनों सत्य, तीनों हकीकत, हम तीनों की पहचान रखें यह जरूरी है, तीनों की मदद जरूरी है। एक बिना दूसरा अपूर्ण है, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा। एक के उपासक दूसरे को, दूसरे के तीसरे को न भूलें, यही हमारा संवैधानिक संदेश है, यही हमारा कर्तव्य है। भारत पर गर्व, इंडिया में उम्मीद, उसी के साथ गर्व और उम्मीद दोनों निर्भर हैं हिंदुस्तान की और हमारी खुद की सिफत की सही पहचान। आपका बहुत समय मैंने लिया, अच्छा जो मैंने और आपने कहा आज भी उस निर्वायमयिक है, आपने कितना समय तक इसका जीवन कितना प्रभाव कि जो जो आज एक आम भारतीय क्या है कि इंडियंस आर द पॉलिसी मेकर, भारतीय आर द एक्सिक्यूटर एंड हिंदुस्तानी आर द बेनिफिशियल एंड देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स एंड एक्सिक्यूटर एंड द टारगेट। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब राष्ट्रपति जी थे 62 में, जब उन्होंने ये कहा उस इतने सालों पहले उन्होंने कहा, यानी कि 50 साल से पहले तब उन्होंने, तो तब भी मिस गवर्नेंस उनके हमारे राष्ट्रपति के जहन में, तो ऐसा कभी समय शायद नहीं रहा है जबकि मिस गवर्नेंस के बारे में हमारे देश में चिंता न रही। मात्रा बढ़ी, इस पर कोई शक नहीं, क्योंकि गवर्नेंस का दायरा बढ़ा। कब तक ये चलेगा, ये आपका प्रश्न है। इसको कहने के लिए ना क्षमता ज्योतिषी रखते हैं न राजऋषि, मैं तो दोनों नहीं, पर मैं इतना कहूँगा कि अगर जितनी भी मिस गवर्नेंस हो हमारे देश में, हमारी जनता में ये एक ताकत है कि उसको किसी न किसी तरह से हर समय हर ज़माने में एक चुनौती देता है। आपको शायद याद होगा कि शायद 60-61 पहला अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लोकसभा में आचार्य कृपया ने आया, बहुत बड़ा दिन था। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध आचार्य कृपया ने, उन्होंने भाषण दिया, पंडित जी ने बहुत गौर से उसको सुना और बहुत विनम्रता और विनय के साथ उसको, तो अविश्वास और विश्वास ये दोनों साथ चलते हैं, पर सतर्कता सचेतन इनमें बहुत वृद्धि हुई है और मैं आशावान हूँ कि मिस गवर्नेंस का सामना हमारा देश, हमारा राष्ट्र गणतंत्र में अपनी गणतंत्रिक शक्ति के साथ, उस विवेक के साथ सदा करता रहेगा। और हमें उस वक्त न सैनिक बनना है स्केप्टिक, नहीं हमें वो बनना है जो कि गणतंत्र ही को एक व्यक्ति के या स्थान के या देश के एक नाम हुआ करते हैं, तो हमारे देश का ये तीन नाम क्यों है, एक ही नाम होना चाहिए। अब जब सीलोन का नाम श्रीलंका हो गया है, ब्रह्मदेश का नाम बर्मा का नाम म्यांमार हो चुका है, तो भारत का नाम क्यों नहीं, इस देश का नाम, इसको आप तीन नाम से बोल रहे हैं, इसका एक ही नाम क्यों नहीं होता। मानिए आपने जो अभी कहा
तो मुझे लग रहा है, मुझे एक क्षण लगा कि मैं संविधान सभा में एक भाषण को सुन रहा हूँ। आपने जो कहा वो बहुत सुंदर तरीके से वही कहा है जो कि पंडित कमलाकर त्रिपाठी, शेखर नारायण सक्सेना और श्री गोविंद दास ने कहा। जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी देश के लिए एक नाम होना न आवश्यक है, नहीं वह उस देश के लोगों की सिफत के साथ इंसाफ करता है। भारत और हिंदुस्तान तब तक चलेंगे जब तक उस अन्न को हम भात भी कहेंगे और चावल भी कहेंगे। मैं पश्चिम बंगाल में भात खाना चाहता हूँ, दिल्ली में चावल, बनारस में मैं गेहूँ ढूंढूंगा और शायद कहीं और कनक। सब ठीक है, स्वाद सही होना चाहिए, नमक मिर्च की मात्रा गलत ना हो, यही मेरा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों की गति अलग अलग है, और आज वर्तमान में कौन इस देश को चला रहा है, भारत चला रहा है, हिंदुस्तान चला रहा है या इंडिया चला रहा है, इन तीनों की गति में? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत और हिंदुस्तान मिलकर इंडिया को पकड़ ले? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने ये सवाल पूछा। इससे मुझे लगता है कि मैंने इतना सामूहिक समय आज नष्ट किया है, उससे इतना तो आप मेरी बात समझ गए हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न मैंने अपने पुस्तक में लिखा है, वही प्रश्न मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो इस प्रश्न को लेकर हम तो सोचें ये जरूरी है। हिंदुस्तान और भारत और इंडिया, इन तीनों में जो सामंजस्य स्वाभाविक है, उस सामंजस्य को इन तीनों के जो नेतागण हैं वो और समझ किसी ने। मैं किस प्रकार से आपको धन्यवाद दूँ इस तरह का इतना थॉट प्रोवोकिंग और गंभीर व्याख्यान शायद हम लोग को बहुत समय के बाद सुनने को मिला है, और आपने इस व्याख्यान के लिए जितना प्रिपरेशन किया था, इसमें इतनी सारी चीज़ों को आपने कष्ट किया था। पहले मैं कह रहा था कि आपको कष्ट दो कि यहाँ बुलाने के अल्मोड़ा आना इतना आसान नहीं होता है, यहाँ की यात्रा काफ़ी कठिन होती है। मुझे उसी में लग रहा था कि यार आपको इतना कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आपने तो इस व्याख्यान के लिए इतना सोच समझ कर और इतना एक तरह से रिसर्च ही कहूँ मैं, शोध करके आपने हम लोगों को इतनी सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया है। शायद ये हमको कई समय तक इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।